हेलो फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो है बायो मॉलिक्यूल एंड एंजाइम्स। आज हम बायो मॉलिक्यूल्स के बारे में और एंजाइम्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज हम क्या क्या करेंगे, मेटाबोलाइट्स, बायो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड और एंजाइम्स हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक बायो मॉलिक्यूल एंड एंजाइम्स। तो सबसे पहले बायो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, केमिकल और मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ देयर फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। दीज आर नोन एज ए बायो मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स तो नॉर्मल है, बायो वर्ड लगा हुआ, इट मीन्स ऐसे मॉलिक्यूल जो हमें लिविंग चीज़ों के अंदर दिखाई देते हैं या मिलते हैं। तो केमिकल और मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर एसेंशियल, जो इंपॉर्टेंट है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ देयर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हो रही हैं उन सब के लिए जो इंपॉर्टेंट है उनको मेंटेन रखने के लिए, वो सारे के सारे मॉलिक्यूल क्या कहलाते हैं, बायो मॉलिक्यूल। दीज इंक्लूड लार्ज मॉलिक्यूल लाइक प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेक्राइड्स, लिपिड एंड स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक मेटाबोलाइट। तो ये सारे के सारी बायो मॉलिक्यूल में इंक्लूड होते हैं कौन कौन, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेक्राइड्स, लिपिड और स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक मेटाबोलाइट। अब बात करते हैं मिनरल एलिमेंट एंड देयर फंक्शन इन दी बॉडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको ज़रा ध्यान से याद कीजिएगा। तो पहला है ऑक्सीजन, इसकी परसेंटेज 65% होती है। और फंक्शन क्या होता है ऑक्सीजन का, सेलुलर रेस्पिरेशन में और कंपोनेंट ऑफ वाटर, वाटर का ये एक हिस्सा है। कार्बन की बात करें 18%, बैकबोन ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जितने भी हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होंगे उनमें कार्बन होगा ही होगा। हाइड्रोजन की बात करें तो ये 9.5% होता है, इलेक्ट्रॉन कैरियर है प्लस कंपोनेंट ऑफ वाटर है और मोस्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ठीक, नाइट्रोजन की बात करें 3.3% होता है हमारे बॉडी के अंदर, कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, ये प्रोटीन में पार्टिसिपेट करता है, अपनी पार्टिसिपेशन देता है और न्यूक्लिक एसिड में भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। कैल्शियम की बात करें तो 1.5%, कंपोनेंट ऑफ बोन, टीथ, ट्रिगर फॉर मसल्स कंट्रैक्शन एंड एंजाइम एक्टिवेटर, है ना। तो कैल्शियम का काम क्या है, एक तो ये बोन के अंदर है, आपको पता है कैल्शियम कार्बोनेट की बोन्स बनी होती है, तो कैल्शियम वहाँ कंपोनेंट की तरफ बिहेव कर रहा है, टीथ के अंदर होता है और जितनी मसल कंट्रैक्शन होती है उनमें ये ट्रिगर की तरह, मतलब मसल कंट्रैक्शन को स्टार्ट करवाने में हेल्प करता है और एंजाइम एक्टिवेटर की तरह भी बिहेव करता है। नेक्स्ट बात करते हैं फॉस्फोरस, 1%, बैकबोन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड एंड एनर्जी ट्रांसफर, सिंपल है। पोटाशियम 0.4%, इंपॉर्टेंट इन दी नर्व फंक्शन एंड स्टोमेटल मूवमेंट के अंदर। सल्फर 0.3%, कंपोनेंट ऑफ द मोस्ट प्रोटीन। क्लोरीन 0.2%, प्रिंसिपल नेगेटिव आयन इन दी सेल्स। सोडियम 0.2%, प्रिंसिपल पॉजिटिव आयन बाथिंग सेल एंड इंपॉर्टेंट इन दी नर्व फंक्शन। मैग्नीशियम 0.1%, कंपोनेंट ऑफ मैनी एनर्जी ट्रांसफरिंग एंजाइम एंड क्लोरोफिल। आयरन ट्रेस, क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ द हीमोग्लोबिन एंड इंपॉर्टेंट इन द क्लोरोफिल सिंथेसिस। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स थे और उनके फंक्शंस थे, उनकी परसेंटेज थी, साथ साथ में ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटाशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम और आयरन। तो इनको आप अच्छे से याद कर लें, इनके फंक्शंस मेनली पूछे जाते हैं कई बार बेसिकली। अब नेक्स्ट बात करते हैं मेटाबोलाइट, दीज आर दोज बायो मॉलिक्यूल विच आर आइदर यूटिलाइज इन दी मेटाबॉलिक फंक्शंस और सिंथेसाइज्ड बाय द सेलुलर मशीनरी। दीज आर ऑफ टू टाइप, प्राइमरी मेटाबोलाइट और सेकेंडरी मेटाबोलाइट। दी प्राइमरी मेटाबोलाइट इन एन एनिमल टिश्यू आर शुगर्स, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, फैट एंड ऑयल्स, न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड। ये सारे सारे क्या है, प्राइमरी मेटाबोलाइट है ना। जो क्या क्या बताए हैं एनिमल टिश्यू के अंदर, जैसे शुगर्स, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, फैट, ऑयल, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। इन प्लांट, फंगल एंड माइक्रोबियल सेल, दीज आर थाउजेंड ऑफ कंपोनेंट अदर देन प्राइमरी मेटाबोलाइट लाइक एल्केलॉइड, फ्लेवोनॉइड्स, रबर, एसेंशियल ऑयल और एंटीबायोटिक्स। कलर पिगमेंट, स्कैंड्स, गम्स, स्पाइसेस, दीज आर कॉल्ड दी सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो ये प्राइमरी मेटाबोलाइट है और ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। तो सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट ग्रुप पिगमेंट, एल्केलॉइड, टेरपिनोइड्स, एसेंशियल ऑयल्स, टॉक्सिन्स, टॉक्सिन्स, लैक्टिन, ड्रग और पॉलीमरिक सब्सटेंस। तो पिगमेंट में कौन से मेटाबोलाइट है, कैरेटिनोइड्स, एंथोसाइनिन एक्सेट्रा। एल्केलॉइड में मॉर्फीन, कोडिनिन एक्सेट्रा। और टर्पिनोइड में मोनोटर्पीन्स, डाइटर्पीन एक्सेट्रा। एसेंशियल ऑयल के अंदर लेमन ग्रास ऑयल एक्सेट्रा। टॉक्सिन के अंदर एब्रीन और रेसिन। लैक्टिन के अंदर कॉनकेवेनिलिन ए। ड्रग्स के अंदर विनब्लास्टिन, कुकरकुमिन एक्सेट्रा।
और पॉलीमरिक सब्सटेंस के अंदर रबर, गम और सेलुलोज। सेकेंडरी मेटाबोलाइट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन दी नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल और रिप्रोडक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होते किसी भी नॉर्मल ग्रोथ के अंदर या डेवलपमेंट के अंदर या रिप्रोडक्शन के अंदर। दीज आर ऑफन रिस्ट्रिक्टेड टू ए नैरो सेट ऑफ स्पीशीज विद इन ए फाइलोजेनेटिक ग्रुप। सेकेंडरी मेटाबोलाइट ऑफन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट डिफेंस अगेंस्ट हर्बीबोरी एंड अदर इंटर स्पीशीज डिफेंस। नेक्स्ट बात करते हैं बायोमालिक्यूल। दीज केमिकल कंपाउंड फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर ऑफ टू टाइप, माइक्रो बायोमालिक्यूल और मैक्रो बायोमालिक्यूल्स। माइक्रो बायोमालिक्यूल क्या होते हैं? दी मालिक्यूल विच हैव मॉलिकुलर वेट लेस देन 1000 डाल्टन। जो 1000 डाल्टन से कम वाले जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं वो किसमें काउंट होते हैं? माइक्रो बायोमालिक्यूल के अंदर। आर यूजली रेफर टू हैज ए माइक्रो मालिक्यूल और सिंपल बायोमालिक्यूल। मैक्रो बायोमालिक्यूल द मॉलिक्यूल विच आर फाउंड इन दी एसिड इन सॉल्बल फ्रैक्शन आर कॉल्ड द बायो मैक्रो मालिक्यूल। द केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू फ्रॉम एविडेंस पॉइंट ऑफ व्यू इज गिवन बिलो। तो एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल, वाटर की जो परसेंटेज है किसी भी टोटल सेलुलर मास के अंदर 70 से 90% होगी। प्रोटीन की 10 to 15%, कार्बोहाइड्रेट 3%, लिपिड 2%, न्यूक्लिक एसिड 5 to 7% और आयन 1%। तो किसी भी सेल सेलुलर मास के अंदर, हम सेल के अंदर बात करें तो ये कंपोजिशन होती है। मतलब एक वाटर जो है वहाँ पर 70 to 90% होगा, प्रोटीन होगी 10 to 15%, कार्बोहाइड्रेट होगा 3%, लिपिड होगा 2%, न्यूक्लिक एसिड होगा 5 to 7% और आयन होंगे 1%। नेक्स्ट बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। दे आर द बेसिक कंपोनेंट ऑफ फूड एंड प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एनर्जी। सबसे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट को स्टार्ट किया है। तो कार्बोहाइड्रेट आर दी बेसिक कंपोनेंट ऑफ फूड एंड प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो किसी फूड के अंदर तो ये होता है, बेसिक कंपोनेंट है कार्बोहाइड्रेट और एनर्जी का एक प्रिंसिपल सोर्स है। विच आर कंपोज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इन दी अप्रॉक्सीमेट रेशो ऑफ 1:2:1। तो इस रेशो 1:1 रेशो के अंदर हमें ये मिलेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब बात करते हैं टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। बहुत ईजी है, आपको आते भी हैं, तो जरा बस आपने इनको रिवाइज करना है। The carbohydrate can be divided into three major groups on the basis of hydrolysis products as follows. Type of carbohydrate, तो carbon, hydrogen, oxygen type, ये कितने type के हो गए? Monosaccharide, oligosaccharide और polysaccharides. Compound के monosaccharide के अंदर example क्या है? Glucose, fructose और galactose. ठीक, तो ये single sub units है सारी। और occurring in the living thing, widespread sweet fruits और milk के अंदर। तो glucose तो आपको हर जगह मिलेगा, फ्रक्टोज आपको स्वीट फ्रूट्स के अंदर मिलेगा, मीठे फलों के अंदर, और ग्लैक्टोज कहाँ मिलेगा? मिल्क के अंदर। ऑलिगोसैकेराइड की बात करें तो इसके एग्जांपल है माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज और रेफिनोज। माल्टोज किससे बनता है? जब दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में अटैच होते हैं तो माल्टोज बनता है। और ये आपको कहाँ मिलेगा? जर्मिनेटिंग सीड्स के अंदर। सुक्रोज कहाँ मिलेगा? ये कैसे बनता है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से, ये शुगर केन के अंदर होता है। लैक्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, ये मिल्क के अंदर होता है। और रेफिनोज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज प्लस ग्लैक्टोज, ये मिलता है प्लांट्स के अंदर, रेफिनोज। तो ये किससे मिलकर बनता है? ग्लूकोज फ्रक्टोज प्लस ग्लैक्टोज। ये कई बार पूछा जाता है, फॉर्मेशन ही पूछी जाती है। तो माल्टोज बनता है, दो मॉलिक्यूल अटैच हो जाते हैं ग्लूकोज के, तब माल्टोज की फॉर्मेशन होती है। सुक्रोज बनता है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से, लैक्टोज बनता है ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से, और रेफिनोज बनता है ग्लूकोज ग्लैक्टोज प्लस फ्रक्टोज। तो इन तीनों से मिलकर रेफिनोज बनता है। तो आगे बात करते हैं पॉलीसेक्राइड्स की। ये सबसे बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज और काइटिन। स्टार्च बनता है जब इसमें नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल अटैच होते हैं ना। ग्लाइकोजन बनता है ग्लूकोज से, सेलुलोज बनता है ग्लूकोज से, और काइटिन बनता है ग्लूकोसामीन से। तो स्टार्च आपको कहाँ मिलेगा? ये प्लांट स्टोरेज है। ग्लाइकोजन एनिमल स्टोरेज प्रोडक्ट है। और सेलुलोज क्या है? प्लांट सेल वॉल में मिलता है। और काइटिन कहाँ मिलता है? ऑर्थोपोड एक्सोस्केलेटन के अंदर, जो ऑर्थोपोडा के एक्सोस्केलेटन्स होते हैं उनके अंदर आपको क्या मिलता है मटीरियल? काइटिन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम मोनोसैकेराइड। दीज आर द सिंपलेस्ट ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज फर्दर। हम इसको ज़्यादा दोबारा से और छोटे पार्ट में तोड़ नहीं सकते, इसे हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते फर्दर टू गिव सिंपलर यूनिट ऑफ पॉली हाइड्रो एल्डिहाइड और कीटोन। तो कहते हैं कि ये सबसे सिंपलेस्ट ग्रुप है कार्बोहाइड्रेट का, एंड कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज फर्दर टू गिव सिंपल यूनिट्स ऑफ पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। दे आर रेफर्ड एज ए सिंपल शुगर। इसमें आपको दो चीज़ें मिलती हैं, एक एल्डिहाइड वाला ग्रुप मिलता है, कीटोन वाला। दे आर रेफर्ड एज ए सिंपल शुगर। दे आर स्वीट इन टेस्ट, कलरलेस, सॉलिड, हैविंग सॉल्युबिलिटी इन वाटर। ओके राइट, बट इस पे
बट स्परेंजली सॉल्युबल इन दी एल्कोल एंड इनसॉल्युबल इन ईथर. एल्कोल में तो घुल जाते हैं लेकिन ईथर के अंदर ये इनसॉल्युबल है. दे हैव एटलीस्ट वन एसिमेट्रिक कार्बन एटम, हैंस दे एग्जिस्ट इन द डिफरेंट आइसोमरिक फॉर्म्स. द टर्म रिड्यूसिंग रिफ्लेक्ट द फैक्ट दैट सम शुगर्स हैव कार्बोनाइल ग्रुप CO विच कैन बी ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूसिंग अदर केमिकल इन द प्रोसेस. तो यहाँ पर उसने क्या बोला कि द टर्म रिड्यूसिंग रिफ्लेक्ट द फैक्ट दैट सम शुगर्स हैव कार्बोनाइल ग्रुप विच कैन बी ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड और रिड्यूसिंग अदर केमिकल इन द प्रोसेस. राइट, अ स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर रिड्यूसिंग शुगर इज बेंडिट सोल्यूशन. ये टेस्ट होता है जिसके थ्रू हम पहचानते हैं कि हाँ शुगर प्रेजेंट है कि नहीं है. तो अ ब्लू सोल्यूशन दैट कंटेन कॉपर सल्फेट, इफ अ रिड्यूसिंग शुगर इज प्रेजेंट द कॉपर आइंस रिजल्ट इन एन ऑरेंज प्रेसिपिटेट. तो हमें लास्ट में कौन से प्रेसिपिटेट मिल जाते हैं, ऑरेंज कलर के. ग्लूकोज फ्रक्टोज गैलेक्टोज माल्टोज एंड लैक्टोज आर ऑल रिड्यूसिंग शुगर्स बट सुक्रोज इन ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर. ये सारे के सारे क्या, सारे रिड्यूसिंग शुगर होते हैं. कौन कौन, ग्लूकोज फ्रक्टोज गैलेक्टोज माल्टोज एंड लैक्टोज. जबकि सुक्रोज इज एन नॉन रिड्यूसिंग शुगर. हाउएवर आफ्टर सुक्रोज इज बॉइल्ड विद डाइल्यूट एसिड टू हाइड्रोलाइज इट इन टू द मोनोसैक्राइड इट प्रोड्यूस ए पॉजिटिव रिजल्ट. ठीक, तो ये हमने इसमें रिएक्शन को किया हुआ है हमने. डी ग्लिसरल्डिहाइड इज ए थ्री कार्बन एल्डो ट्राइओज एल्डो शुगर प्लस ट्राइओज शुगर. इट आल्सो द स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट. डी राइबोज इज एन इंपॉर्टेंट शुगर यूज इन द जेनेटिक मटीरियल. आपको पता है दिस शुगर इज नॉट यूज हैज एन एनर्जी सोर्स बट इट इज़ ए पार्ट ऑफ द बैकबोन ऑफ द आरएनए. तो राइबोज आपको पता है जैसे पेंटो शुगर होती है राइबोज, है ना. वैन ओ एच ग्रुप ऑफ कार्बन नंबर टू पोजिशन इज रिमूव्ड तो हाइड्रोजन इन प्लेस ऑफ ओ एच फ्रॉम द राइबोज द शुगर बिकम्स डी ऑक्सी राइबोज. तो ये डी एन ए के लिए यूज होती है डी ऑक्सी राइबोज विच इज़ यूज इन द बैकबोन ऑफ डी एन ए. पेंटो शुगर राइबोज इज फाउंड इन एवरी एनिमल सेल. इट इज़ द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ ए टी पी ए डी पी राइबोफ्लेबिन एंड आर एन ए. तो जो हमारी पेंटो शुगर होती है राइबोज की वो हर एनिमल सेल में आपको मिलेगी. वो ए टी पी ए डी पी या राइबोफ्लेबिन या आर एन ए के अंदर आपको देखने को मिलेगी. अब हम बात करते हैं ओलिगोसैकेराइड्स के सेकेंड पार्ट जो मोनोसैकेराइड का. दीज आर द ग्रुप ऑफ द कंपाउंड विच ऑन हाइड्रोलिसिस produce two or more molecule of the same or different monosaccharide unit held together by a glycosidic bond. तो वो किससे बंधे होते हैं एक दूसरे से, उनके बीच में बॉन्ड कौन सा है, glycosidic bond. They are crystalline, water soluble and sweet to taste. They can be disaccharide, trisaccharide, tetrasaccharide and so on. The carbon that carries the aldehyde or ketone can react with any hydroxyl group on a second sugar molecule टू फॉर्म ए बॉन्ड कॉल्ड द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. सिंपल सी बात है. बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ कार्बन सी वन ओ एच ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में बी अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड लिंकेज और बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड लिंकेज. तो जो अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड लिंकेज बिटवीन किसके बीच में कार्बन वन अल्फा ओ एच एंड कार्बन फोर पर जो ओ एच होता है और बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का होगा लिंकेज बिटवीन कार्बन वन बीटा ओ एच एंड कार्बन नंबर जो फोर वाली है उसका ओ एच के बीच में होगा. तो इस तरीके से बनेगा अल्फा बॉन्ड्स और बीटा बॉन्ड. कार्बन नंबर फोर एंड कैन बी आइदर अप और डाउन डिपेंडिंग अपॉन द ओरिएंटेशन ऑफ द मोनोसैकेराइड. ये तो सिंपल सी बात है. सेलोबायोज कंसिस्ट ऑफ टू मॉलिक्यूल ऑफ बीटा डी ग्लूकोज. इट इज सिमिलर टू माल्टोज एक्सेप्ट द प्रेजेंस ऑफ बीटा 1.4 लिंकेज इन सेलोबायोज इंस्टेड ऑफ अल्फा कार्बन नंबर वन और फोर इन माल्टोज. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बीटा 1.4 लिंकेज सेल बायोज इज अनडाइजेस्टेबल. इसी की वजह से हम उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाते. एग्जाम्पल ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स आर एज फॉलोज. सुक्रोज और टेबल शुगर. इट इज़ फाउंड इन द शुगर केन एंड शुगर बीट अप टू 20% बाई मास. तो ये इसका डायग्राम है और ये आपको दिखाया हुआ है. वन अल्फा 1-2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, है ना. तो ये फ्रक्टोज है, ये ग्लूकोज यूनिट है. तो हमारे पास ये कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, 5 और ये 6, है ना. ये कार्बन की नंबरिंग हो गई और ये ग्लूकोज यूनिट, ये फ्रक्टोज यूनिट है. तो अल्फा तो यहाँ पर क्या है, तो ये 1.2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. तो आगे देखते हैं. माल्टोज और माल्ट शुगर
इट इज़ नॉट कॉमन इन द नेचर एक्सेप्ट इन द जर्मिनेटिंग स्टार्ची सीड्स. इट इज़ रेफर टू ए बीटा माल्टोज बिकॉज द अनरिएक्टेड कार्बन वन ऑन बीटा डी ग्लूकोज इज इन द बीटा पोजिशन. तो इस तरीके से इनके बीच में बनेगा बॉन्ड, है ना. तो यहाँ 1.4 है क्योंकि 1, 2, 3, 4 नंबर जो कार्बन है वो इसके फर्स्ट के साथ. तो माल्टोज अल्फ़ा 1,4 लिंकेज है यहाँ पर हमारे पास. ये अल्फ़ा डी ग्लूकोज है, ये बीटा डी ग्लूकोज है. तो आगे देखते हैं उसके बाद. माल्टोज इज़ प्रोड्यूस कमर्शियली फ्रॉम स्टार्च बाय स्टार्च हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम डाईएसटीएस. नेक्स्ट एग्जांपल है लैक्टोज और मिल्क शुगर. इट इज़ डाइमर ऑफ द बीटा डी लैक्टोज एंड आइदर द अल्फ़ा और बीटा डी ग्लूकोज. ओके, तो यहाँ पर है 1.4 लिंकेज है. ये ग्लैक्टोज है, ये बीटा ग्लैक्टोज है, ये बीटा डी ग्लूकोज है. तो लैक्टोज डज नॉट अकर इन द नेचर एक्सेप्ट हैज ए प्रोडक्ट ऑफ मेमरी ग्लैंड. कंपेयर टू मिल्क ऑफ काओ बुफेलो एंड गॉड लैक्टोज क्वान्टिटी इज हाइएस्ट इन दी ह्यूमन मिल्क. ठीक. अब थर्ड हम कैटेगरी की बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की, वो है पॉलीसेक्राइड. दीज आर द लॉन्ग चेन ऑफ शुगर. दे आर थ्रेड कंटेनिंग डिफरेंट मोनोसेक्राइड यूनिट हैज बिल्डिंग ब्लॉक्स. फॉर एग्जाम्पल सेलुलोज इज ए पॉलीमेरिक पॉलीसेक्राइड कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड दैट इज ग्लूकोज. द मेजर पॉलीसेक्राइड मतलब बहुत सारे ग्लूकोज से मिलाकर वो पॉलीसेक्राइड बनता है. द मेजर पॉलीसेक्राइड्स ऑफ इंटरेस्ट इन न्यूट्रिशन आर ग्लाइकोजन फाउंड इन द सर्टेन एनिमल टिश्यू एंड स्टार्च एंड सेलुलोज बोथ ऑफ द प्लांट ऑरिजिन. ऑल दीज पॉलीसेक्राइड्स कंसिस्ट ऑफ ओनली ग्लूकोज यूनिट्स. दे मे बी आइदर होमोपॉलीसेक्राइड्स एग्जाम्पल कंटेनिंग अ सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर एग्जाम्पल स्टार्च ग्लाइकोजन सेलुलोज काइटिन और हीट्रोपॉलीसेक्राइड दैट इज कंटेनिंग टू और मोर डिफरेंट यूनिट्स एग्जाम्पल हेमीसेलुलोज पैक्टिक सब्सटेंस सम गम्स एक्सेट्रा. सम ऑफ द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन द नेचर आर हैज फॉलोज ग्लूकेन्स ग्लैक्टेन्स, है ना. अब देखते हैं धीरे धीरे एक ही करके. तो पहले है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो हमारे नेचर के अंदर प्रेजेंट है. पहला है ग्लूकेन आर पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज मोनोमर. एग्जाम्पल है स्टार्च ग्लाइकोजन सेलुलोज और काइटीन, ये ग्लूकेन के अंदर आता है. फिर है ग्लैक्टेन आर पॉलीमर ऑफ द ग्लैक्टोज मोनोमर्स अगार अगार पैक्टिन ग्लैक्टोन फ्रॉम स्नेल्स. मानाज आर पॉलीमर ऑफ द मैनोज मोनोमर एग्जाम्पल ईस्ट मानन, है ना, मनान. फिर है जाइलेंस आर पॉलीमर ऑफ जाइलोज मोनोमर हैमी सेलुलोज जाइलेन. फ्रक्टेन आर पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज मोनोमर एग्जाम्पल इनुलिन. नेक्स्ट अगार अगार इज ए ग्लैक्टेन कंसिस्टिंग ऑफ ए बोथ टी एंड एल ग्लैक्टोज. इट इज़ यूज एज ए माइक्रोबियल कल्चर मीडियम. पैक्टिन कंटेन एरबान आरबिनोज ग्लैक्टोज एंड ग्लैक्टोनिक एसिड. पैक्टिन आर एविडेंट इन द फ्रूट सच एज ऑरेंज लेमन एक्सेट्रा. पैक्टिन एसिड इज ए होमोपोलीमर ऑफ द मिथाइल एस्टर ऑफ डी ग्लैक्टोयूरिनिक एसिड. ग्लाइकोजन एनिमल स्टार्च बोलते हैं इसको. इज कॉमनली फाउंड इन द फंजाई एंड एनिमल. इट इज़ वाटर सोलबल विच गिव अ रेड कलर विद आयोडीन. स्टार्विंग मैन फर्स्ट कंज्यूम रिजर्व ग्लाइकोजन. ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज. इट इज डाइजेस्ट बाय द टर्माइट एंड शीप बाय हर्बोरिंग बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोन दैट सिंथेसाइज द नेसेसरी एंजाइम सेलुलेज. नेक्स्ट इनुलिन डहेलिया स्टार्च इज ए पॉलीमर ऑफ द फ्रक्टोज यूनिट लिंक्ड बाय बीटा 1.2 ग्लाइकोसिटिक लिंकेज. हाइलुरोनिक एसिड फाउंड इन द स्किन विट्रस ह्यूमर ऑफ द आई एम्बिलिकल कॉर्ड हैज ए कोटिंग अराउंड द ओवम एंड इन द सर्टेन बैक्टीरिया हैज ए म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स. कॉन्ट्रियोटिन सल्फेट्स प्री डोमिनेंट इन द कॉर्निया कार्टिलेज टेंडन स्किन हार्ट वाल्व एंड सलाइवा आर आल्सो म्यूकोपॉलीसेक्राइड. सेलुलोज इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज. इट अकर इन द सीव ट्यूब ऑफ द फ्लोएम इन प्लांट एंड फॉर्म्ड ऑफन हैज ए रिस्पॉन्स टू बाउंड. हैमी सेलुलोज इज ए पॉलीमर ऑफ पेंटोज एंड शुगर एसिड. इट अकर इन द प्लांट सेल वॉल एंड फंक्शन हैज ए सेल वॉल मैट्रिक्स. लिग्नेनिन इज कंपोज्ड ऑफ ग्लूकोज. इट इज फाउंड इन द डेड सेल लाइक स्किलेनकाइमा ऑफ प्लांट सेल वॉल. काइटीन इट इज ऑल्सो ए पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज विच फंक्शन हैज ए एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स. Murine is a polysaccharide cross-linked with amino acid. It occur in the connective tissue matrix and outer coat of the mammalian eggs. Heparin is related to the chondroitin and is found in the connective tissue cells. It found has a anticoagulant. Next, gum and mucilage are polymer of sugar and sugar acids.
These are found in the bark of tree and mucilage of the flowers. They help in the retaining water during the dry season. Function of the various carbohydrates. Glucose is the most important sugar in our diet, which is used as immediate source of energy. It is also called the dextrose, right? It is stored as a glycogen in liver and muscles. Liver in the blood can be high as 0.1%. Level in the blood can be high of 0.1%. D-fructose levulose is a ketohexose and sweetest of all sugars. Erythrose is raw material for synthesis of anthocyanin and D-glycine. Galactose in milk is a component of milk sugar lactose. Or galactosidase are compound of galactose. They occur in brain and nervous tissue. Galactose is constituent of agar agar. Next बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट हमारा कंप्लीट हो गया. प्रोटीन की बात करते हैं. द टर्म प्रोटीन वॉज कॉइंड बाय बर्जीलियस 1837 एंड मोल्डर 1838 थ्रू अप्रॉक्सीमेटली 300 अमीनो एसिड्स आर अकर इन द नेचर बट ओनली 20 मेक द कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन्स. प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ द अमीनो एसिड्स. स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड. ऑल अमीनो एसिड हैव ए कॉमन स्ट्रक्चर. द ओनली डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंट अमीनो एसिड लाई विद इन द एल्काइल ग्रुप आर ग्रुप इन द जनरल फार्मूला. द आर ग्रुप हैव क्वाइट डाइवर्स केमिकल प्रॉपर्टीज. तो ये हमारे पास आर ग्रुप है. वेरीज इन केमिकल मेकअप विद ईच टाइप ऑफ अमीनो एसिड. ये कार्बन आ गया सेंटर वाला. अमीनो ग्रुप हाइड्रोजन कार्बोक्सिल ग्रुप मेक द मॉलिक्यूल बिहेव लाइक अ वीक एसिड. जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द अमीनो एसिड. तो ये हमारे पास एक फर्स्ट है. ये आर ग्रुप बदलता रहेगा हमेशा. ऑल अमीनो एसिड एक्सेप्ट ग्लाइसिन शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. दिस कैन बी रिजल्ट इन टू डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैज शोन इन द डायग्राम. तो ये हमारे पास डायग्राम दिया हुआ है. ये डी फॉर्म है, ये एल फॉर्म है. गामा अमीनो ब्यूट्रिक एसिड गाबा हिस्टामिन सिरोटोनिन ऑर्निथिन सिट्रोलिन एंड बीटा एलिनिन आर द अमीनो एसिड्स विच आर फाउंड इन द प्रोटीन्स. ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड. सबसे सिंपल वाली होती है विद लोएस्ट मॉलिकुलर वेट एंड एब्सेंस ऑफ द एसिमेट्रिकल कार्बन एटम. एसिमेट्रिकल कार्बन एटम का मतलब क्या होता है, जिसके अलग अलग हों सबके पास उसके बॉन्ड के साथ. इट इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ हीम. ट्रिप्टोफेन इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड कंटेनिंग द इंडोल रिंग. इसके पास इंडोल रिंग होती है, याद रखना. इंडोल रिंग कहाँ प्रेजेंट होती है, ट्रिप्टोफेन में. मीथोनिन एंड सिस्टीन आर द सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स. तो ट्रिप्टोफेन के पास इंडोल रिंग होती है और मिथियोनिन और सिस्टीन के पास क्या होती है, अमीनो एसिड्स, जिन पे ऐसा अमीनो एसिड जिसमें सल्फर कंटेनिंग होता है, सल्फर प्रेजेंट होता है. इन प्रोलीन एंड हाइड्रोक्सी प्रोलीन इंस्टेड ऑफ अमीनो ग्रुप अमाइनो ग्रुप इज प्रेजेंट. वहाँ पर क्या होगा, अमीनो की जगह अमाइनो NH ग्रुप लगा होता है. दीज अमीनो एसिड्स आर कॉल्ड द अमाइनो एसिड्स. प्रोटीन कंटेन एल लिवरोडेटरी आइसोमर्स ऑफ द अमीनो एसिड्स एंड डी डेक्सट्रोरोडेटरी आइसोमर्स ऑफ द अमीनो एसिड आर फाउंड ओनली इन द बैक्टीरियल सेल वॉल्स. आइसोल्यूसिन इज एन अमीनो एसिड विद टू एसिमेट्रिकल कार्बन एटम. ट्रायोसिन गिव राइज टू डोपामीन मिलानिन थायरोक्सिन एड्रेलिन एंड नॉन एड्रेलिन. सब इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको. लाइसिन एंड आर्जिन आर द बेसिक अमीनो एसिड विच कंटेन मोर देन वन अमीनो ग्रुप. ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड आर एसिडिक अमीनो एसिड विच कंटेन मोर देन वन एसिडिक ग्रुप. ट्रिप्टोफेन अमीनो एसिड फॉर्म द विटामिन निकोटिनामाइड एंड ए प्लांट हार्मोन इंडोल एसिडिक एसिड IAA. अमीनो एसिड्स दैट कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी आर कॉल्ड द एसेंशियल अमीनो. जिनको बॉडी के अंदर ना बनाया जा सके वो बोलते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स. वाइल दोज विच कैन बी सिंथेसाइज इन द बॉडी एंड नीड नॉट बी सप्लाइड थ्रू द डाइट आर कॉल्ड द नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स. For human being, 8 amino acids are essential. Infants require arginine and histidine in addition. So, arginine or histidine are the considered semi-indispensable amino acids. These two are not essential in the adult organism. Sirf infant ke andar zaruri hote hai arginine or histidine. So, essential kon kon se arginine, histidine, isoleucine, leucine, methionine, phenylalanine, threonine, tryptophan, lysine or valine. Or non-essential kon se hai? Glycine, alanine, serine, aspartic acid, aspargine, cysteine, glutamic acid, glutamine, proline or tyrosine. Ye sare ke sare kaise hai? Non-essential. Aage baat karte hai peptide bond. Proteins are the linear sequence of amino acid लिंक टुगेदर बाय द पेप्टाइड. तो मतलब जब अमीनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ जाते हैं तो जो चेन बनती है उसे कहते हैं प्रोटीन. तो दिस बॉन्ड इज केमिकली इक्विवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द अल्फा अमीनो ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड एंड द अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ द अनदर. तो हमारे पास एक ये एक अनदर ग्रुप है. तो ये एक अमीनो एसिड है हमारे पास NH2
सी सी ओ है ना, तो एन टर्मिनल रेजिड्यू ये पेप्टाइड लिंकेज इनके बीच में, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पेप्टाइड लिंकेज है, कार्बन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीनो ग्रुप, पिछले का कार्बोक्सिलिक और अगले का अमीनो ग्रुप आपस में जुड़ते हैं। ठीक, तो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट इन ए प्रोटीन मॉलिक्यूल इट मे बी डाईपेप्टाइड, ऑलिगियोपेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड। व्हेन टू अमीनो एसिड्स आर जॉइंट टुगेदर बाय अ पेप्टाइड बॉन्ड आर डाईपेप्टाइड इज फॉर्म्ड। इट इज़ ए लॉन्ग अनब्रांच चेन 2 to 25 अमीनो एसिड्स रेजिड्यू विच आर लिंक्ड बाई पेप्टाइड बॉन्ड। और पॉलीपेप्टाइड इट इज़ ए लॉन्ग चेन ऑफ द मैनी अमीनो एसिड्स ग्रेटर दैन 25 अमीनो एसिड रेजिड्यू लिंक्ड एंड टू एंड बाई पेप्टाइड बॉन्ड। जब दो तक हो तो डाईपेप्टाइड, 25 तक हो तो ऑलिगोपेप्टाइड, 25 से ऊपर की लंबी की चेन हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, पॉलीपेप्टाइड चेन। नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग कम्प्लेक्सिटी इन दियर स्ट्रक्चर, दिस कैन बी फॉलोइंग टाइप। प्रोटीन दो टाइप हो सकते हैं, सिंपल और कंजुगेटेड। सिंपल क्या होते हैं, ओनली अमीनो एसिड्स फॉर्म दियर स्ट्रक्चर, दैट इज ऑर्डिन ऑफ बार्ले, ग्लियाडिन एंड ग्लूटानिन ऑफ वीट, जियाटिन ऑफ मेज और एआइजिन ऑफ राइस, है ना। और कंजुगेटेड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ ए ग्लोबुलर प्रोटीन टाइटली बाउंड नॉन प्रोटीन मटेरियल, द नॉन प्रोटीन मटेरियल कॉल्ड द प्रोस्थेटिक ग्रुप, न्यूक्लियो प्रोटीन्स, मेटालो प्रोटीन और लिपो प्रोटीन्स, ये होते हैं कंजुगेटेड प्रोटीन। सम कंजुगेटेड प्रोटीन्स देयर प्रोस्थेटिक ग्रुप्स एंड लोकेशंस। तो पहले है फॉस्फो प्रोटीन, ग्रुप क्या है इसमें, फॉस्फोरिक एसिड, और लोकेशन कहाँ मिलती है, कैसिन ऑफ मिल्क, विटेलाइन ऑफ द एग और योग। ग्लाइकोप्रोटीन प्रोस्थेटिक ग्रुप्स में कार्बोहाइड्रेट होता है, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, म्यूसिन, कंपोनेंट ऑफ सलाइवा। न्यूक्लियो प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड, कंपोनेंट ऑफ वायरस, क्रोमोसोम, राइबोसोम एंड स्ट्रक्चर। क्रोमोप्रोटीन प्रोस्थेटिक ग्रुप है पिगमेंट, हीमोग्लोबिन हीम आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, फाइटोक्रोम प्लांट पिगमेंट और साइटोक्रोम रेस्पिरेटरी पिगमेंट। लिपोप्रोटीन इसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप है लिपिड, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, लिपिड ट्रांसपोर्टिंग द ब्लड हैज लिपोप्रोटीन। फ्लेबोप्रोटीन प्रोस्थेटिक ग्रुप है एफएडी, फ्लेबिन एडिनिन डाइनिक्लोटाइड, इंपॉर्टेंट इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन द रेस्पिरेशन। एफएडी फ्लेबिन, क्या वो एक फुल फॉर्म क्या इसका, फ्लेबिन एडिनिन डाइनिक्लोटाइड। और मेटल प्रोटीन मेटल इसमें होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप, नाइट्रेट रिडक्टेज द एंजाइम इन द प्लांट विच कन्वर्ट नाइट्रेट इनटू नाइट्राइट। अब बात करते हैं टाइप ऑफ प्रोटीन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, फाइब्रस, ग्लोबुलर, इंटरमीडिएट। तो फाइब्रस क्या होती है, इसका नेचर कैसा होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिटिल और नो टर्शरी स्ट्रक्चर, इनसॉल्युबल इन वाटर, फिजिकली टफ, लॉन्ग पैरेलल पॉलीपेप्टाइड चेन, क्रॉस लिंक्ड एट इंटरवल्स फॉर्मिंग ए लॉन्ग फाइबर और शीट्स। फंक्शन क्या होता है, परफॉर्म्स स्ट्रक्चरल फंक्शंस इन सेल एंड ऑर्गेनिज्म, एग्जांपल कोलेजन, टेंडन, बोन एंड कनेक्टिव टिश्यू, म्योसिन इन मसल्स, सिल्क, स्पाइडर वेब्स, क्रिएटिन हेयर, हॉर, नेल्स एंड फीदर्स। तो ये कैसी प्रोटीन होती है, फाइब्रस। ग्लोबुलर टर्शरी स्ट्रक्चर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, पॉलीपेप्टाइड चेन टाइटली फोल्डेड फॉर्म स्फेरिकल शेप, इजिली सॉल्युबल, फॉर्म एंजाइम्स, एंटीबायोबॉडीज एंड सम हार्मोन्स, एग्जाम्पल इंसुलिन। इंटर फाइब्रस एंड बट सोल्यूबल, फाइब्रिनोजन फॉर्म इनसोल्यूबल फाइब्रिन वेन ब्लड क्लॉट्स। स्ट्रक्चरल में कॉलेजन, क्रिएटिन, इलास्टिन और वायरल कोड प्रोटीन्स। कॉलेजन कैसे होते, क्या करते हैं काम, कंपोनेंट ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, बोन, टेंडन एंड कार्टिलेज। क्रिएटिन में स्किन, फीदर्स, नेल, हेयर एंड हॉर्न के अंदर होती है क्रिएटिन प्रोटीन जो होती है। इलास्टिन, इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू, लिगामेंट्स के अंदर। वायरल कोड प्रोटीन्स रैप्स अप न्यूक्लिक एसिड ऑफ वायरस। टाइप ऑफ प्रोटीन बेस्ड ऑन देयर फंक्शन, एंजाइम की फॉर्म में कौन कौन से होते हैं, ट्रिप्सिन क्या काम करती है, कैटालिस हाइड्रोलिसिस ऑफ द प्रोटीन, राइबुलोज कैटालिसिस कार्बोक्सिलेशन, बिसफॉस्फेट एडिशन ऑफ CO2 ऑफ द राइबुलोज और कार्बोक्सिलेज बिसफॉस्फेट इन फोटोसिंथेसिस, ग्लूटामिन सिंथेटिस कैटालिसिस सिंथेसिस ऑफ द अमीनो एंड ग्लूटामिन फ्रॉम द ग्लूटामिक एसिड प्लस अमोनिया। हार्मोन की फॉर्म में इंसुलिन, ग्लूकेगॉन और ACTH। इंसुलिन हेल्प इन द रेगुलेट ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, ग्लूकेगॉन स्टिमुलेट द ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स, ACTH स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ द ग्लूकोकॉर्टिकोकॉइड। रेस्पिरेटरी पिगमेंट में हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन द वर्टिब्रेट ब्लड, मायोग्लोबिन में स्टोर ऑफ ऑक्सीजन मसल्स, ट्रांसपोर्ट सीरम एल्ब्यूमिन, ट्रांसपोर्ट ऑफ फैटी एसिड एंड लिपिड इन ब्लड। टाइप की बात करें, प्रोटेक्टिव एंटीबॉडी फाइब्रिनोजन और थ्रोम्बिन, एंटीबॉडी फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद फॉरेन प्रोटीन्स, फाइब्रिनोजन फॉर्म फाइब्रिन द ब्लड क्लॉटिंग, थ्रोम्बिन इन्वॉल्व इन द ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कौन सी होती है, मायोसिन मूविंग फिलामेंट इन माइफाइब्रिल ऑफ द मसल, एक्टिन स्टेशनरी फिलामेंट इन द माइफाइब्रिल ऑफ द मसल्स,
स्टोरेज ओवेबल्यूमिन, एग वाइट प्रोटीन ओवेबल्यूमिन और केसिन, मिल्क प्रोटीन, टॉक्सिन में स्नेक विनोम एंजाइम्स, डिप्थीरिया टॉक्सिन, टॉक्सिन मेड बाय द डिप्थीरिया बैक्टीरिया। नाउ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्रोटीन्स, देर आर फॉलोइंग टाइप ऑफ द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन द प्रोटीन्स। पहला है प्राइमरी स्ट्रक्चर्स, इट कंसिस्ट ऑफ द लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड रेजिड्यू इन पॉलीपेप्टाइड चेन। द एंजाइम राइबोन्यूक्लियस एंड द प्रोटीन मायोग्लोबिन फंक्शन ओनली इन द प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर्स डिटरमाइन द हायर लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन प्रोटीन एंड इट्स बायोलॉजिकल फंक्शंस। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में इट इज रेगुलर फोल्डिंग पैटर्न ऑफ द कंटिन्यूस पोर्शन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन, एग्जाम्पल अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट्स। सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स आर स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, मोस्ट ग्लोबुलर प्रोटीन कंटेन रीजन ऑफ अल्फा हेलिक्स टुगेदर विद बीटा शीट। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में पहला आता है अल्फा हेलिक्स। चेन्स आर क्वाइल्ड स्पैरली इन राइट हैंडेड मैनर, एट प्लेस द हेलिक्स इज लेसर रेगुलर फॉर्मिंग रैंडम क्वाइल, द हेलिक्स इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द, मतलब उस ये जो हेलिक्स होते हैं वो किससे स्टेबलाइज होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, बिटवीन ऑक्सीजन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड रेजिड्यू एंड अमीनो ग्रुप ऑफ द नेक्स्ट फोर्थ अमीनो एसिड रेजिड्यू। दिस सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज फाउंड इन सेवरल प्रोटीन लाइक क्रिएटिन, मायोसिन, टोपोमायोसिन और फाइब्रिन के अंदर आपको क्या मिलेगा, अल्फा हेलिक्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर। बीटा प्लेटेड शीट्स, टू और मोर अल्फा चेन्स आर ज्वाइंड इन इंटरमोलिकुलर बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड, दे कैन बी फॉलोइंग टाइप्स, बीटा पैरेलल शीट और बीटा एंटी पैरेलल। एडजेसेंट स्ट्रैंड ऑफ पॉलीपेप्टाइड रन इन द सेम डायरेक्शन, एग्जांपल बीटा क्रिएटिन और बीटा एंटी पैरेलल शीट्स। एडजेसेंट स्ट्रैंड ऑफ द पॉलीपेप्टाइड रन इन द अपोजिट डायरेक्शन, एग्जांपल फाइब्रिन ऑफ सिल्क। टर्शियरी स्ट्रक्चर, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर फॉर्मड बाय द फोल्डिंग ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर इन टू कॉम्प्लेक्स शेप। द इंट्रैक्शन इन्वॉल्व इन फोल्डिंग इंक्लूड वीक आयनिक बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन एंड स्ट्रॉन्ग डाइसल्फाइड बॉन्ड बिटवीन द नेबरिंग सिस्टीन अमीनो एसिड्स। एंजाइम्स आर फंक्शनल विद ए टर्शियरी स्ट्रक्चर ओनली। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, प्रोटीन्स कंसिस्ट ऑफ टू और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स, हीमोग्लोबिन अ ग्लोबुलर प्रोटीन कंपोज ऑफ फोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स, दैट इज टू बीटा चेन्स प्लस टू अल्फा चेन्स, ईच हैविंग ए हीम ग्रुप एट द सेंटर ऑफ चेन। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू प्रोटीन, प्रोटीन कंस्टिट्यूट अबाउट 10-12% ऑफ ऑल सेल कंटेंट। प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ कार्बन 51%, ऑक्सीजन 25%, नाइट्रोजन 16%, हाइड्रोजन 7% एंड सल्फर 0.4% एंड समटाइम फॉस्फोरस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन दी ट्रेसिस। इंसुलिन ह्यूमन के अंदर होती हैज़ 53 अमीनो एसिड अरेंज इन टू पॉलीपेप्टाइड चेन्स ऑफ 22 एंड 31 अमीनो एसिड्स। ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन हैज़ 582 अमीनो एसिड इन इट्स पॉलीपेप्टाइड चेन। प्रोटीन शो इनॉर्मस डाइवर्सिटी बिकॉज ऑफ डिफरेंट प्रपोर्शन एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। द नंबर एंड वेराइटी ऑफ द प्रोटीन वेरी फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज एंड विद इन ए स्पीशीज फ्रॉम सेल टू सेल। बैक्टीरियम ईकोलाई इशर्चिया कोलाई मे हैव 3000 टाइप ऑफ द प्रोटीन्स। ह्यूमन लिवर सेल मे हैव मिलियन ऑफ प्रोटीन्स, हाउएवर ऑल दीज प्रोटीन्स आर सिंथिसाइज फ्रॉम द सेम 20 अमीनो एसिड्स। प्रोटीन एंड अमीनो एसिड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर, इट मीन्स दे कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेसिस। प्रोटीन आर ऑक्सीडाइज बाय प्यूट्रिफिकेशन प्रोसेस एंड प्रोसेस बैड स्मेल प्रोड्यूस। डीनेचुरेशन रेफर टू द लॉस ऑफ थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कली हैव मेटल्स, हीट यूवी रेडिएशन एंड डिटर्जेंट्स कैन डीनेचुरे प्रोटीन। कॉलेजन इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड एंड राइबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज रिबिस्को। रिबिस्को की फुल फॉर्म क्या होती है, राइबुलोज बिसफॉस्फेट या बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन द होल ऑफ द बायोस्फीयर। सबसे ज़्यादा ये मिलती है रिबिस्को, एबंडेंट प्रोटीन है एनिमल वर्ल्ड। पी प्रोटीन आर इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड थ्रू फ्लोएम, स्नेक विनोम, रिसिन ऑफ कैस्टर एंड बैक्टीरियल टॉक्सिन आर प्रोटीनिशियस इन नेचर। प्रोटामीन्स आर बेसिक प्रोटीन एसोसिएटेड विद द डीएनए ऑफ क्रोमोसोम्स, दीज आर रिच इन द लाइसिन एंड आर्जिनिन। मोनोनिन ए प्रोटीन इज द स्वीटेस्ट केमिकल ऑब्टेंड फ्रॉम द अफ्रीकन बेरी। अब बात करते हैं लिपिड्स की। द टर्म लिपिड वॉज फर्स्ट यूज बाय ब्लूअर 1943। लिपिड वॉज वाटर इनसॉल्युबल एंड कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बट द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन इज मोर देन 2:1, जो वाटर के अंदर होता है। लिपिड आर लेस डेंस देन वाटर एंड देयर फोर दे फ्लोट ऑन इट। क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल स्ट्रक्चर, द लिपिड आर क्लासिफाइड इन टू फॉलोइंग क्लासेस। सिंपल लिपिड्स या ट्रू लिपिड जिसे हम कह सकते हैं। सिंपल लिपिड लाइक ट्राइग्लिसराइड, फैट, वैक्स, सुबेरिन एंड क्यूटिन आर फॉर्म्ड फ्रॉम फैटी एसिड एंड एल्कोहल। अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ ट्राइग्लिसराइड
and waxes are triglyceride, natural fat. Natural fats, sorry, neutral fats such as butter and vegetables, oil and mostly triglycerides, each has three fatty acids linked to a glycerin or trihydroxypropane. In fat, when all three fat acids are similar, they are called pure fat, and when these fat acids are dissimilar, that they termed as a mixed fat. Waxes, these are long chain fatty acid linked to long chain of alcohol or carbon ring. All waxes have firm consistency and repel water. In plant, they cover the surface of leaf and other aerial surface to avoid the excess transpiration. In animal, cutaneous gland secrete wax for forming a protective water insoluble coating or animal fur. Compound lipid, conjugated lipids kehte hain. Complex or compound lipid are contain an additional group in addition with alcohol and fatty acid. These are glycolipid, phospholipid or lipoproteins. Glycolipid, these contain sphingosine alcohol with a fatty acid and a monosaccharide sugar, that is cerebroside, terpene and gangliosides. Phospholipids, common membrane lipid, these are triglyceride lipid with one fatty acid replaced by phosphoric acid, which is often linked to additional nitrogenous group like choline, ethanol, amine, etc. Lipoproteins, these are the complex of lipid and protein and are present in the blood, milk and egg yolk. On the basis of compactness, these can be divided into LDL or HDL. LDL, low density lipoprotein, also called as bad cholesterol. Ye kabhi bar pucha gaya question. Or HDL, high density lipoproteins which remove the bad cholesterol. Derived lipid, these are the derived of the lipid steroid or its chemical prostaglandins. Steroids, the group of complex lipid that possess a rigid backbone of four fused together carbon rings. Sterols are component of every eukaryotic cell membrane, example cholesterol. Palmitic acid, C16H32O2, saturated fatty acid found in the coconut, etc. Arachidonic acid, C20H32O2, an unsaturated fatty acid found in the groundnut, etc. Complex lipids, the complex lipids may be following type: choline microns, which transport triglycerides from intestine to other tissue except kidney. Very low density lipoproteins, VLDL, very low density lipoproteins which bind triglyceride and liver and carry them to fat tissue. Low density lipoproteins which carry cholesterol to the peripheral tissue. High density lipoproteins which bind to plasma cholesterol and transport it to liver. Fatty acid, most of the fatty acid found in the nature have been number of carbon atoms, usually 14 to 24. The general formula of saturated fatty acid is CH3CH2 ka whole and COOH. Fatty acids may be classified into following two types. Saturated fatty acid have single bonds only. They are solid at room temperature and their melting point is high. These are straight chain compound found more commonly in animal tissue, for example palmitic acid. Unsaturated fatty acid have one or more double bond. They are liquid at room temperature and have a low melting point. तो सैचुरेटेड मतलब होता है जहाँ सिंगल बॉन्ड हो, और अनसैचुरेटेड का मतलब जहाँ पर वन और मोर डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो. दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड हैव अ लो मेल्टिंग पॉइंट. दीज कंपाउंड शो मोर बेंडिंग इन दियर चेन एंड आर मोर कॉमन इन प्लांट टिश्यू, एग्जांपल ओइलिक एसिड. तो एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड, कार्प्रिक एसिड, लुआरिक एसिड, माइरिस्टिक एसिड, पामिटिक एसिड, स्टीरिक एसिड और अरिकिडिक एसिड. तो कैप्रिक एसिड का C10H20O2, सिंबल 10^0 और नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 0. तो इनमें किसी में भी डबल बॉन्ड नहीं है तो ये सैचुरेटेड है सारे. और लुरारिक एसिड का C12H24O2, मिरिस्टिक एसिड के अंदर C14H22O2, पामेटिक के अंदर C16H32O2, स्ट्रिक एसिड के अंदर C18H36O2 और आर्कटिक अरेकिडिक एसिड का C20H40O2. तो आज हमने फैटी एसिड तक कर लिया. तो हमने अभी डिस्क्राइब किए सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स. तो इस तरीके से हमने मेटाबोलाइट, बायोमोलिक्यूल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और लिपिड्स को डिस्कस किया. नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम वीडियो के अंदर हम न्यूक्लिक एसिड और एंजाइम्स को कंप्लीट करेंगे. थैंक यू सो मच.